डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टू मच इम्पॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं, दैट इज द बेंडिंग इक्वेशन। तो आज उसको हम डेराइव करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन आप सुने भी होंगे, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। देखिए, ये इस तरह से 7 इक्वेशन है, जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं ना, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस तरह के 7 इक्वेशन हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें से कि ये एक है, ठीक है। ये बेंडिंग इक्वेशन, हमने जब आपको बेंडिंग पढ़ाए थे, बेंडिंग ऑफ द बीम, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको याद हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम पढ़ाए थे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम पढ़ाए थे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो है बीम एंड लोड एक्टिंग ऑन द बीम, और इस लोड के चलते जो है हमने आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बताए थे बहुत सारे, ठीक है ना, काफ़ी सारे, इनके साइन कन्वेंशन बताए थे और बताए थे कि कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कैसे बेंड होता है, ठीक है। और साथ में जो है हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी कोई बीम के ऊपर आप लोड लगाते हैं तो इट विल बेंड लाइक दिस, समझिएगा अच्छे से। अब देखिए क्या होता है, ये बेंड होगा, बेंड होगा तो इस बेंडिंग को कोई रेजिस्ट भी तो करेगा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं, ओबियसली इसके ऊपर लोड लगाएंगे और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, लेकिन तुरंत तो बेंड नहीं होता है ना, यू पुट टू मच फोर्स देन इट स्टार्ट्स बेंडिंग, कुछ जो है इसके अंदर डिफॉर्मेशन सेट होता है। तो हमने लास्ट क्लास में जो हमने आपको बेंडिंग स्टेशन के एजम्पशंस बताए थे, उसमें भी हमने आपको बताए थे कि कैसे शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं और कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां पर शियर फोर्स जीरो हो, शियर फोर्स क्या है, जीरो है, लेकिन फिर भी बेंडिंग मोमेंट है और उसके चलते हमारा बीम क्या होगा, बेंड भी होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर बेंडिंग। क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग। और प्योर बेंडिंग के कंडीशंस में कुछ एजम्पशंस भी हमने लिए थे जो लास्ट क्लास में बताए थे, और ये एजम्पशंस जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे भी अपने को आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं बेंडिंग इक्वेशन के, तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी बीम है तो हम ये मान करके चलते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स में से मिल करके बने हैं, और जब बेंड होगा तो कुछ इस तरह से बेंड होगा, तो इसके जो कुछ ऊपर वाले लेयर हैं वो क्या आ रहे हैं, कंप्रेशन में, देखिए यहाँ पर, और नीचे वाले लेयर क्या आ रहे हैं, टेंशन में, और चूंकि सभी लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, दे कैन फ्रीली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। तो कंप्रेशन में मतलब क्या, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और टेंसाइल में क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस जो है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में बीच में कहीं जीरो तो आएगा दोस्त, बिना जीरो का जो है, मतलब ऊपर वाले लेयर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये नीचे वाले थोड़ा और कम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर बीच वाले जीरो हो जाएंगे, फिर बाहर वाले अब टेंसाइल में आ जाएंगे धीरे धीरे। आ रही बात समझ में, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में बीच में कहीं एक जगह न्यूट्रल तो मिलेगा, न्यूट्रल लेयर मिलेगा ही मिलेगा, बिना न्यूट्रल लेयर का काम चलना नहीं है। अब इसी को हम समझाते समझाते थोड़ा सा आगे बढ़े थे और एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ आपके लिए किए हैं। देखिए डायग्राम आपके पास है कि हमारा बीम कुछ इस तरह से बेंड हो गया और ये रेडियस है। अब यहाँ से हमने एक इंडिपेंडेंट, अभी पूरा थीटा है, ये आर्क है, ठीक ना, अब इतने की जरूरत तो है नहीं हमें, तो हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, ये छोटा सा सेक्शन मान लीजिए ले लिए, ये पूरा थीटा था, लेकिन ये जो एंगल है अभी कितना है मान लीजिए डी थीटा, मान लीजिए कितना है डी थीटा। तो ये जो लेंथ है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, दो तीन कलर से हम खींच देंगे, देखिए ये आर है पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका यहीं तक है, ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं तक है, ठीक ना, यहीं तक है रेडियस ऑफ न्यूट्रल लेयर तक, ठीक है। और यहां पर अब एक छोटा सा लेयर हम ले लेते हैं जहां पे कि हम स्टडी कर सकें, और ये छोटा सा लेयर जो आप ले रहे हैं आप, ठीक है, ये छोटा सा लेयर, ठीक ना,
ये कितने डिस्टेंस पे आप ले रहे हैं, वाई डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं आप, वाई डिस्टेंस पर, ठीक ना। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए कि ये है ए और बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ए बी कितना होगा दोस्तों, ए बी इक्वल टू, अच्छा सुनिए एक सेकेंड, और ये क्या था आपका, ए बी तो ये था और बाहर का सी डी था, और ये क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस हम लिए थे, और ये क्या हो गया जो आपका पहले ए बी था, ध्यान दीजिए तो ये क्या था पहले, एक सेकेंड मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए ये आपका बीम था, इसका अपर लेयर हम लिए हैं ए बी और नीचे लिए हैं सी डी, और बीच में इसका क्या है न्यूट्रल लेयर, ठीक है, ये क्या है न्यूट्रल लेयर, ठीक है। और अब इसके ऊपर आप लोड लगाए तो ये बेंड हो गया, ठीक है। अब बेंड होगा तो कुछ ऐसे बेंड होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या रहा आपका ए बी ही रहा और ये न्यूट्रल लेयर रहा, ये ए डैस बी डैस मान लीजिए और ये सी डैस डी डैस। पहले जो है ए बी, ये ए बी इक्वल टू इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो ए बी पूरा ए बी और सी डी और न्यूट्रल लेयर तीनों बराबर है या नहीं, तीनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है ए डैस बी डैस क्या हो गया ए बी से कम हो गया और सी डैस डी डैस सी डी से बड़ा हो गया, इस सी डी से बड़ा हो गया कि नहीं। तो हुआ क्या है इसमें, अच्छा न्यूट्रल लेयर जो पहले था वही अभी भी है, एन डैस एल डैस की यदि बात करेंगे तो एन डैस एल डैस इक्वल टू एन एल, मतलब ये न्यूट्रल लेयर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें चेंज हुआ और इसमें चेंज हुआ, दैट मीन्स कि डिफॉर्मेशन इज बीइंग सेट इनटू द बीम। क्या लिख सकते हैं, डिफॉर्मेशन इज सेट इनटू द बीम, हो गया कि नहीं, इज सेट इनटू द बीम। अब यहां पर न्यूट्रल लेयर आप देखेंगे तो न्यूट्रल लेयर यहां पर आप निकालेंगे, न्यूट्रल लेयर यही है ना, न्यूट्रल लेयर, तो न्यूट्रल लेयर जो है आप देखेंगे, अच्छा ये क्या हो गया अब आपका ए डैस बी डैस और ये क्या हो गया सी डैस डी डैस, और इसको अब हम जो है ए डैस बी डैस ना मान करके सी डैस डी डैस मान लीजिए, सी डैस डी डैस, ठीक है। अब वाई डिस्टेंस पे हमने ले लिया है क्या सी डैस और डी डैस मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ कितना होगा, ठीक है, इसका लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये पूरा थीटा यहाँ तक का है, ठीक है, और डी थीटा यहाँ छोटा सा, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल लेयर का लेंथ, लेंथ ऑफ न्यूट्रल लेयर इज आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, यही हो गया कि नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, और यहाँ जो चेंज हुआ ये चेंज हो गया सी डैश डी डैश, ये क्या हो गया सी डैश डी डैश हो गया, तो सी डैश डी डैश यदि आप निकालेंगे सी डैश डी डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा आर प्लस वाई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो आर था ही और ये प्लस वाई, तो आर प्लस वाई इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर टू, हो गया कि नहीं। तो यहाँ सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश कौन सा, ये वाली सी डैश डी डैश और माइनस ये वाली, इस दोनों में चेंज कितना हुआ, सी डैश डी डैश माइनस न्यूट्रल लेयर जो चेंज नहीं हुआ कितना हो गया आर प्लस वाई डी थीटा माइनस आर डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया वाई डी थीटा, आर डी थीटा से आर डी थीटा कट जाएगा, ठीक ना। अब स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन क्या ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हुआ स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया स्ट्रेन चेंज इन लेंथ सी डैश डी डैश माइनस न्यूट्रल लेयर और अपन न्यूट्रल लेयर, ओरिजिनल तो न्यूट्रल लेयर अभी बताया ना कि न्यूट्रल लेयर और सी डी ए बी तीनों बराबर है, तो ओरिजिनल तो ये है, चेंज कितना हो गया सी डैश डी डैश बढ़ गया,
सी डैश डी डैश माइनस एन एल अपन एन एल और सी डैश डी डैश माइनस एन एल कितना है, यही वाई डी थीटा अपन एन एल। एन एल मतलब न्यूट्रल लेयर का लेंथ, इसका लेंथ कितना अभी हम निकाले थे, देखिए एन एल आर डी थीटा क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो गया कि नहीं, आर डी थीटा। अब देखिए तो ये स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपन आर, डी थीटा कैंसिल हो गया। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, तो यहाँ पर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मतलब स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये इक्वेशन निकल गया कि नहीं आपको, यहाँ पर इक्वेशन जो निकला आपका, क्या इक्वेशन निकला, सिग्मा अपॉन ई, सॉरी इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई को इधर ले सकते हैं, सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ई बाई आर हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, वेयर वेयर, अब सिग्मा क्या है बताइए, तो सिग्मा क्या है आपका, यही बेंडिंग स्ट्रेस है, यही क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस। और ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और आर क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ फाइबर्स फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा देखिए ये वाई कहाँ से लिए हैं आप, ध्यान दीजिए वाई कहाँ से लिए हैं, न्यूट्रल एक्सिस से। तो यदि वाई जीरो हो जाए, यदि वाई जीरो हो जाए तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, जीरो, मतलब कि एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा वाई यदि मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके क्रॉस सेक्शन के बराबर, उसके क्रॉस सेक्शन के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है और ये क्या है आपका, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो पोजीशन दैट इज दी फोर्स, फोर्स आप निकालेंगे, फोर्स ऑफ सेक्शन एट ए, कहीं भी एलिमेंट्री सेक्शन यदि आप ले लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लीजिए डी ए एरिया का, ठीक है ना, कहाँ पर ले रहे हैं, वाई पर, ठीक है ना। तो एट ए पर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ए, ठीक है ना। ऑन होल सेक्शन जब आप निकालेंगे, ऑन होल सेक्शन निकालेंगे तो ये पहले क्या था, डी ए लिखे हैं ना डी ए, तो ये आप पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है ना। और फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि फॉर पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर दोनों सेम है क्या, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा डी ए मस्ट बी जीरो, ठीक है ना, सिग्मा डी ए मस्ट बी जीरो, ठीक है ना, सिग्मा डी ए मस्ट बी जीरो। दैट मीन्स क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए तो सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई लिख सकते हैं क्या, तो ई बाई आर इंटू वाई डी ए शुड बी जीरो, मतलब e बाई आर तो जीरो हो नहीं सकता है, e बाई आर कैन नॉट बी जीरो, तो क्या होगा, वाई डी ए शुड बी जीरो। और ये जीरो होने के लिए, ये जीरो यदि होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज विल पास थ्रू न्यूट्रल लेयर। तो इतना देर से जो हम मेहनत कर रहे थे, इसका कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है, कौन सा न्यूट्रल जो एक्सिस है और जो न्यूट्रल लेयर है, दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। इसका पूरा मेहनत का जो है सार यही निकला कि न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर एक जगह पर आपका होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसमें डाउट नहीं होगा। अब एक चीज समझिए कि यदि यहाँ पर आप निकाल रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर आप निकाल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, मतलब कि
कि ये जो बीम है आपका, जो आप बीम दिखा रहे हैं, यही है ना बीम, मतलब इसको यहाँ पर यदि हम ऐसे कर दें, यही है ना आपका, समझिएगा। और ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पर आपने कोई एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, जैसा कि हम लिए हैं, और इसका कितना है वाई लेंथ है, वाई पर, वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है डी वाई, ठीक है ना। और एरिया इसका मान लीजिए कि क्या है डी ए, एल इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि टोटल बी है यहाँ से यहाँ तक, तो बी इंटू डी वाई, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू डी वाई। तो यहाँ पर आप क्या निकालते हैं, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेट बेंडिंग स्ट्रेस कितना है, बेंडिंग स्ट्रेस तो आपका सिग्मा है, ठीक है ना, देन फोर्स ऑन एलिमेंट्री सेक्शन क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, देन मोमेंट, देन मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, तो फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा डी ए इंटू वाई, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और सिग्मा डी ए इंटू वाई, और ये तो क्या हो गया आपका ये मोमेंट सिग्मा डी ए इंटू वाई, ये सही है अपने जगह पर, ये आपका फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू अभी आप कहीं निकाले हैं, एक सेकेंड देखिए, सिग्मा यहाँ पर आप सिग्मा कितना लिख सकते हैं ई बाई आर इंटू वाई, तो यही सिग्मा का वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं क्या, सिग्मा का वैल्यू ई बाई आर इंटू वाई डी ए इंटू वाई पहले से था, और ये क्या हो जाएगा ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है सोचिए जरा सा, देखिए यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं, देखिए एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता था मोमेंट, एंड मोमेंट ऑफ मोमेंट इंटू वाई, मतलब ए वाई स्क्वायर क्या होता था मोमेंट ऑफ मोमेंट, दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है ना आई, तो यही क्या हो जाएगा ई बाई मोमेंट एम इक्वल टू आर इंटू क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें वाई स्क्वायर डी ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसको भी याद रखना है, हालांकि ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया एम अपॉन ई आई अपॉन आर, ठीक है, अब ये याद रखिएगा एम क्या है यहाँ पर, ये एम क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये m, अच्छा एक इक्वेशन आप ऑलरेडी निकाल लिए हुए हैं, यहाँ देखिए तो m अपन i, सॉरी m अपन i कर दें तो e बाई आर हो जाएगा, क्या e बाई आर हो जाएगा, और यहाँ इक्वेशन क्या है यहाँ देखिए सिग्मा अपन y इक्वल टू e बाई आर, ये इक्वेशन है, तो ये एक नंबर और ये दो नंबर, ये दोनों को यदि हम मिला दें, दोनों को यदि मिला दें तो क्या हो जाएगा एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, या इसी को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखना हो तो आप लिख दीजिए एम अपन आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, जब जैसा जरूरत पड़े, तो दैट इज द बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपन वाई इक्वल टू एम अपन आई इक्वल टू ई बाई आर,
अब देखिए इसमें तीन टर्म है, तीनों को एक बार याद दिला दें। सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम। वाई क्या है? कोई भी आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है उसके न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होता है फाइबर का, जो भी सिलेक्टेड फाइबर है आपका, जो भी सिलेक्टेड फाइबर है उसकी जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। ठीक है, वाई जब जीरो हो जाएगा तो क्या वो स्ट्रेस निकलेगा? जीरो। ठीक है, वाई जब मैक्सिमम होगा इसके लेंथ के बराबर, ठीक है ना, या विड्थ डेप्थ जो भी आप लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कीन स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्कीन स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? स्कीन स्ट्रेस। एम क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। और ई क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी तीनों को हमेशा एक साथ नहीं लेना है, कोई भी दो एक साथ लेकर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक यदि आप लेते हैं सिग्मा अपन वाई इक्वल टू एम अपन आई, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, एम इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपन वाई लिख सकते हैं क्या, और इसी को आप लिख सकते हैं क्या सिग्मा इंटू जेड, वेयर जेड इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस। ठीक ना, और इसी को आई अपन वाई बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपन डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर। और ये वाई कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है आपका, बेसिकली जो है आपका क्या है, सेंट्रॉयड। ठीक ना, डिस्टेंस ऑफ सीजी। ठीक ना, ये वाई जो है आप रफली याद रखिए, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड, जो वाई बार निकालते थे ना वही यहाँ पर एक तरह से वाई है। तो बेंडिंग इक्वेशन निकालना हम लोग सीखे हैं दोस्तों, एक बार समराइज कर दें उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ये बेंडिंग इक्वेशन जो है हम निकालना बता रहे थे कि कैसे किसी बीम के ऊपर आप जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, फोर्स या लोड लगाते हैं तो वो बेंड होता है। बेंडिंग में हमने आपको बताया कि ऊपर वाला लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला एक्सपांड होगा, ठीक है ना, पहले तो सब बराबर थे, ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर में क्या हो गया कि ऊपर वाला घट गया नीचे वाला बढ़ गया, लेकिन इस बीच में एक न्यूट्रल था जो बेचारा न्यूट्रल ही रह गया, उसको न घटना है न बढ़ना है। फिर ये हमने इक्वेशन डेराइव कर दिए, ठीक है ना, देखिए कितना प्यारा इक्वेशन डेराइव किए हैं, ठीक है ना। फिर ये स्ट्रेन निकाल दिए हैं, और इस स्ट्रेन को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये स्ट्रेन क्या होता है बताइए? यही होता है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेन का वैल्यू सिग्मा अपन ई, तो यहीं पर जो है आप स्ट्रेन रख दिए हैं। देखिए यहाँ पर रख दे हैं, ई इक्वल टू वाई बाई आर यहाँ से निकला, डी थीटा कट गया, और ई का वैल्यू क्या होता है सिग्मा अपन ई इक्वल टू क्या निकल गया वाई बाई आर, सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। अब ये वाई क्या है, ठीक है ना, फिर से बता दें, सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और वाई डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये वाई बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉयड ही है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये वही है, तो मतलब कि न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस बोथ आर सेम, याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस आर सेम। कैसे सेम है उसको हमने यहाँ प्रूफ किया, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के बाद हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है आपके लिए, ठीक है, कि किसी वाई एक्सिस पे, किसी वाई डिस्टेंस पर न्यूट्रल एक्सिस से हम क्या ले लेते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए जो है फोर्स सिग्मा इंटू डी ए निकल गया। अब मोमेंट ले सकते हैं, मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई, मोमेंट निकल गया। टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी हम लिए हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी माइनस डी बाई टू से डी बाई टू ले सकते थे यदि मालूम रहता तो, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि आगे चल करके हम देख रहे हैं कि जब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, सिग्मा का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहीं से रखेंगे सिग्मा का वैल्यू, ई बाई आर इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई डी ए। वाई पहले से था एक, ये वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए को मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं, याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। और ये m इक्वल टू ई बाई आर निकल गया, m अपन आई, आई को इधर ले लिए, ई बाई आर, और पहले से हमको ये सिग्मा अपन y इक्वल टू ई बाई आर इक्वेशन मालूम है, तो इस
दोनों इक्वेशन को मिला करके ये तीसरा इक्वेशन हमने निकाल दिया, देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है ना। दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन।